भगवान की बड़ी अनुकंपा। देखो ये भूमि का प्रभाव होता है, जगह का बड़ा प्रभाव होता है। कभी यहां पर एक व्यक्ति नहीं, आज जहां देखो वहां व्यक्ति व्यक्ति, जहां तक नजर डालो वहां तक पागल ही पागल। कितनी अद्भुत लीला भगवान की, भगवान की महिमा को कोई समझ नहीं सकता। कब किस स्थान की क्या महिमा बढ़ा देवे। बगल में ही प्राचीन शिव मंदिर है, दर्शन करने भी जाया करो। यहां से जब कथा सुन के जाया करो तो शिव मंदिर को भी प्रणाम किया करो। बगल में प्राचीन शिव मंदिर है, बड़ा दिव्य स्थान है। हम पिछली बार गए थे, इस बार भी जल चढ़ाएंगे सरकार को, तो खूब दर्शन किया करो। देखो महात्मा लोग बार बार जतन कराते हैं तब भी अंत में राम नहीं कहे आता। क्या नहीं कहे आता? राम। और जो राम नहीं कहता उसके कोई नहीं बनते, साब हो जाता तमाम। लेकिन उसके बन जाते काम जो मुख से सुबह शाम लेता राम नाम। तो प्रभु का नाम बड़ा मंगलकारी है, जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है। देखो बुरा मत मानना मेरे पागल, धर्म ही एक ऐसा नशा है जिस नशा से निकलने की कोई दवा नहीं है। आध्यात्मिकता का नशा बड़ा अद्भुत होता है। अब ऐसे समझो, कई लोग यहां ऐसे बैठे जो सुबह 8 बजे के बैठे, दरबार में भी बैठे, कोई 11 बजे का बैठा है, कोई 9 बजे का बैठा है, दरबार में भी बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं और अभी जाने का मन ही नहीं है। ये कौन बैठा है? कोई जबरदस्ती बंदूक तो लगाए नहीं है, कोई ऐसा तो कहीं नहीं है कि उठना मत वरना 5,000 का टैक्स लगेगा, ऐसा तो नहीं है। कौन बैठाए है? ये अध्यात्म की ताकत है कि हमारे ऋषि मुनि एक एक महीने एक आसन पर बैठे रहे थे, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये अध्यात्म नशा है, अध्यात्म का ही। और आज तो बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि हमारा ऐसा कोई इंटेंस नहीं रहता, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई मान ले तो बात अलग है। हम जरा कट्टरवादी भाव, ठीक है लोगों का मानना है। आज तो यहाँ के जो यहाँ हिंदुओं से ज्यादा आबादी मुसलमानों की भी है, तो आज तो वो भी प्रसाद बांट रहे थे, आए हुए सब भक्तों को केला प्रसाद बांट रहे थे आज। एक बार जरा ताली बजाओ, ये देखो वीडियो। छतारी में एक अद्भुत नजारा हो गया है प्रारंभ, अब पूरे भारत में एक अद्भुत लीला बहने लगी, अब घर घर भगवा होने लगा है। हाँ, ये अद्भुत बात हो गई यहाँ की, ये बहुत बड़ी न्यूज हो गई है, बहुत बड़ा विषय हो गया है। हनुमान जी बड़ी पूंछ घुमा रहे, बड़ी लंबी, सबको प्रसाद बांटा उन्होंने, केला प्रसाद और पांडे जी 20-20 खूब खबाए जमा के। हाँ खूब सीताराम बोलो, जोर से बोलो, साधु जी सीताराम। देखो रहना तो ऐसे ही चाहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। होना तो यही चाहिए। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो सीताराम। तुम लोग चिंता मत करो, हम अकेले काफी हैं। जब तक तन में प्राण है तब तक हाथ में सनातन का और मानवता का झंडा हम लिए घूमते रहेंगे पूरे भारत में। और हमें डर नहीं है, क्योंकि सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर बागेश्वर हनुमान जी हैं, तुम लोगों का साथ है, चिंता मत करो। हमारा मन का एक सपना है, हम चाहते हर घर राम हो, और कोई सपना ही नहीं हमारा। सबकी अपने अपने एक ड्रीम होते हैं, सबका अपना अपना एक ख्वाहिश होता है, किसी को बहुत बड़ा गुरु बनना होता है, किसी को बहुत बड़ा कथा व्यास बनना होता है, और हमारा तो ये कोई सपना ही नहीं है। हमारा तो सपना ही बहुत उल्टा है, हम जब भी सपना देखते तो हमारा सपना एक ही है, वो दिन कब आएगा जब हर मुख पर राम होगा। और हमने सुना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमें बहुत से लोग हमसे जब आ रहे थे, हमने कई बार बताया भी, कह रहे थे महाराज वहां कहां जा रहे हैं, 4,000 लोग हैं, कथा में कौन आएगा। हमने कहा हम ऐसी ही जगह कथा करेंगे जहां लोग न आए, उनको बुलाकर बताएं।
तब तो कथा है, जहां लोग सहज बस आ जाए तो वहां क्या कथा है भाई। इंजीनियर तो वही है जो बंद गाड़ी को चालू कर दे, अब चालू गाड़ी को स्टार्ट करे वो ठटरी को का इंजीनियर है। इंजीनियर तो वही बढ़िया है जो बंद गाड़ी को चालू कर दे। तो जहां पर हिंदू हिंदू रहते वहां पर लोगों को बुलाकर तुमने कथा सुनकर चमत्कार दिखाए का हलवा दिखाए, जहां नहीं रहते वहां बुला करके चमत्कार दिखाओ, राम का बनाओ, तब तो कथा है। बोलो सीताराम। अब इसका मतलब कोनो व्यास जी हमें फूल ना जाइयो मंगोरा से कि हमने कोनो कथा व्यास पे टारगेट करो, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये हम कह रहे वर्तमान में कथा व्यासों को जरूरत है ऐसी जगहों पर कथा करने की, हम तो पाकिस्तान में भी तैयार हैं। जहां हमको जो बुलाए हम तो रेडी है, आई एम 24 hours, आई एम रेडी, नो प्रॉब्लम माई डियर एवरीवन, आई स्पीक इन इंग्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग, अंडरस्टैंड।